आईपीएल का छठा मैच चेन्नई और गुजरात के बीच खेला गया। इस मैच में गुजरात टीम ने टॉस जीतकर चेन्नई को बैटिंग के लिए बुलाया। चेन्नई के लिए रचिन रविंद्र ने बहुत ही बड़ी शुरुआत करी। रचिन रविंद्र ने 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से कुल 46 रन की पारी खेली। इसके साथ ही कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी 1 छक्के और 5 चौकों की मदद से 46 रन की पारी खेली और चेन्नई की टीम के लिए फिनिशर की भूमिका निभाई शिवम दुबे ने। शिवम दुबे ने 5 छक्कों की मदद से 23 गेंदों में 51 रन की बेहतरीन पारी खेली और शिवम दुबे की इसी पारी की बदौलत सीएसके की टीम ने 20 ओवर में 200 रन बना डाले। गुजरात के राशिद खान ने जरूर 2 विकेट लिए लेकिन राशिद खान शेष की टीम को नहीं रोक सके। 206 रन का पीछा करने के लिए गुजरात टीम मैदान पर उतरी। रिद्धिमान शाह ने 17 गेंदों में 21 रन की पारी खेली। इसके साथ ही सैफ सुदर्शन ने भी 31 गेंदों में 37 रन की पारी खेली। इन दो के अलावा किसी भी अन्य खिलाड़ियों ने कोई दमखम नहीं दिखाया जिसकी वजह से गुजरात टीम 20 ओवर में 23 रन बना सकी और गुजरात टीम यह मैच 63 रन से हार गई। सीएसके के लिए शिवम दुबे ने इस मैच में बहुत ही बड़ा प्रदर्शन किया जिसके लिए शिवम दुबे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले आईपीएल मैचों की न्यूज आपको सबसे पहले मिल जाए।